नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। नेस लिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लालकुआ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नेस लिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लालकुआ इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डॉ. मोहन सिंह विष्ट, नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद सिंह, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी सहित NUJ के प्रदेश संरक्षक त्रिलोक चंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पाठक, जिलाध्यक्ष दया जोशी सहित सैकड़ों पत्रकारों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन सिंह विष्ट और चेयरमैन द्वारा NUJ लालकुआ नगर इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदों गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों को लालकुआ इकाई द्वारा शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नैनीताल जनपद में लालकुआ नगर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। बेसिकली शपथ ग्रहण के साथ साथ पत्रकारों की समस्याएं, उनकी मांगें और उनको सरकार की द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उन पर भी यहां पर मंथन हुआ, उन पर भी चर्चा हुई और एक सामूहिक रूप से ये तय किया गया कि जो भी पत्रकारों की मांगें हैं, जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उनको सेंट्रलाइज करके संगठन अपनी तरफ से सरकार और शासन के समक्ष उनको रखेगा, जिससे पत्रकारों की जो डिमांड्स हैं वो समय से पूरी हो सके। देखिए, संगठन तो बहुत हैं लेकिन संगठनों की अपनी अलग अलग कार्यशैली होती है। जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के नेशनलिस्ट यूनियन और जर्नलिस्ट कार्य कर रही है वो अपने आप में अनोखा है, अपने आप में एक अलग तरीका है। सामाजिक सरोकारों से जुड़कर संगठन के लोग कार्य कर रहे हैं, वो मीडिया सेमिनारों से लेकर संगोष्ठियों से लेकर के दिव्यांगों को समर्पित हौसलों की उड़ान, मेडिकल कैंप, गरीब निर्धन विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रम और ज़रूरतमंद पत्रकारों के लिए संगठन अपने यहाँ एक इमरजेंसी रिलीफ फंड को संचालित कर रहा है। तो इसी दिशा में लालकुआ की इकाई भी आगे बढ़ रही है, जुड़ रही है लोगों के साथ में। हमें विश्वास है कि निसंदेह अन्य इकाइयों से बेहतर इकाई के रूप में लालकुआ में उभरेगी।